Dear students, welcome to my class Apatra Physics. Today's topic is graphical representation of motion. हम कैसे graphically represent करेंगे motion को? Different type of motion in one dimensions. That means when any particle or object is moving along the straight line. तो उसको हम एक graphical representation हम समझेंगे आज. Using a graph for a pictorial representation of two sets of data is called graphical representation of data. One entity is represented along the x-axis of the graph, while the other is represented on the y-axis. Out of the two entities, one is a dependent set of variables, while the other is in an independent set of variables. हम कोई भी कोई graph draw करते हैं, that is one pictorial relationship. Of the two different entities, two different quantities. Generally क्या होता है ना एक दूसरा से related होता है, एक होता है dependent, another होता है independent quantity. As per example, जैसे velocity that depends upon maybe time, then time is the independent variable and velocity is the dependent variable. Otherwise, your height that is obviously function of your age. The age is the independent variable and your height is the dependent variable. चाहे मान लीजिए रेनफॉल की हम लोग कोई ग्राफ बना रहा हूँ तो डेट और चाहे डेज हम लोग करेंगे दैट इज लेंगे दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रेनफॉल कितना हुआ है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो कोई भी हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें एक बेसिक रूल्स होता है. जो हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट विल बी ऑलवेज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दैट व्हिच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी टेकन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस. और then y will be said that is the function of x. That means for the different value of x, y will be different. That means when the value of x changes, y the value of y also change. इसमें एक graph हम लोग यहाँ पर draw किए, x y. इसमें हम बताएंगे y the function of x. That means when x increases, left to right जा रहा है तो x increase हो रहा है. At the same time y also increases in this. In this way y increases. तो हम देख रहा हूँ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. तो कैसे बढ़ रहा है ये हम पता लगाने कोशिश करेंगे. इसके लिए एक टर्म हम लोग ग्राफ में ऑलवेज यूज करते रहेंगे दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ द ग्राफ हम लोग देखेंगे दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा. और हम लोग कैलकुलस में उसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई डी एक्स. That means dy dx that will be nothing but the slope. अभी स्लोप को समझने के लिए पहले ग्राफ को स्टडी किया जाए. ये जो ए बी जो है ना देयर इज अ वेरिएशंस ऑफ द वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब म्यूचुअल वेरिएशंस है. जो इसमें देख रहा हूँ देयर आर टू सेट्स ऑफ वैल्यू एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट हम लेते हैं पी एंड क्यू पॉइंट. दीज टू पॉइंट ऑन द ग्राफ. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू there will be change of the x also the y. तो x कितना चेंज हुआ तो यहाँ से ps का जो वैल्यू है इधर राइट में आगे बढ़ा है ps तो मतलब डेल्टा x इतना चेंज हुआ है किसका ना x का वैल्यू और अपवर्ड कितना गया ना डेल्टा y. दैट मींस y का चेंज हुआ डेल्टा y. तो p पॉइंट में अगर कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई लिखते हैं तो q पॉइंट में कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y हमको लिखना होगा q पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है. तो इसमें जो चेंज हो गया है तो दैट इज डेल्टा वाई चेंज हुआ है एक्स में चेंज हुआ डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम बोलेंगे दैट इज द रेट ऑफ चेंज. और वो ये जो ट्रायंगल देखिए पी क्यू एस एक ट्रायंगल है इसमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है दैट इज नथिंग बट द टैन ऑफ अल्फा. इन दिस केस टैन ऑफ अल्फा दैट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ द वाई डिवाइड बाई चेंज ऑफ द एक्स दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स. बट ये जो चेंज हम लोग देख रहा हूँ एक एवरेज चेंज की बात कर रहा हूँ मतलब एक टोटल डेल्टा एक्स चेंज हुआ उस टाइम वाई का डेल्टा वाई टोटल चेंज हुआ है. तो टोटल चेंज इन द वाई डिवाइड बाय टोटल चेंज इन द एक्स उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसमें टैन ऑफ थीटा जो हम टैन ऑफ अल्फा जो बता रहा है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ऑब्वियसली बट दैट इज एवरेज वन. लेकिन अगर हम लोग ऐसा सोचे जो क्यू पॉइंट धीरे 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 बहुत नजदीक में ला रहा हूँ तो डेल्टा एक्स वैल्यू कम होते जाएगा. धीरे धीरे क्यू आते 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 पी का एकदम बिल्कुल आसपास आ गया है तो डेल्टा एक्स इतना ही रह जाएगा डेल्टा वाई भी बहुत कम होगा. तो ऐसा धीरे धीरे जो क्यू का जो हम लोग पॉइंट का जो लिमिटिंग पॉइंट दैट इज द पी मान लीजिए क्यू टेंस टू पी आ गया है तो डेल्टा एक्स जो है ना टेंस टू जीरो हो जाएगा वेरी स्मॉल और डेल्टा वाई भी वेरी स्मॉल होगा.
उस टाइम में जो होगा तो यहाँ से अगर टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे ना, उसके यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है जो थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका जो टैन थीटा लेंगे दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यू नाउ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो इसमें आप कोई ग्राफ मिला है, एक्स वाई का ग्राफ हमको मिला है, तो एट एनी पॉइंट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो इसमें पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस जो एंगल बनाते हैं उसका टेन ऑफ थीटा, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट द डी वाई डी एक्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इट इज द मेन पॉइंट हियर। जो स्लोप होता है डी वाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्लोप, जहां जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज भी जीरो होता है, स्लोप जहां मैक्सिमम होगा रेट ऑफ चेंज भी मैक्सिमम होता है। तो स्लोप क्या हो गया फिर से ना, कोई पॉइंट में अगर स्लोप कितना है अगर पता लगाने चाहते हैं तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो एंगल का टेन ऑफ थीटा की हम बात करेंगे, तो वो टेन ऑफ थीटा हो गया उस पॉइंट का स्लोप है, दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वाई अगर यहाँ भी होगा, एक्स अगर टी होगा तो डी भी डी टी लिखेंगे, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। वाई अगर डिस्टेंस या पोजिशन होगा, एक्स टाइम होगा तो डी एक्स डी टी होगा, दैट विल बी नथिंग बट द वेलोसिटी। तो स्लोप से हम लोग रेट ऑफ चेंज मिलता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है। ये जो सारा बात आप समझा है यहाँ पर लिखा हुआ है वही बात, देयर आर टू क्लोज पॉइंट्स पी, उसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई क्यू, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ऑन दिस कर्व जॉइनिंग पी एंड क्यू वी गेट क्वाड पी क्यू, लेट अस अल्फा बी द एंगल व्हिच द क्वाड पी क्यू मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम फिगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एस इज द डेल्टा एक्स एंड क्यू एस इज द डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स क्यू एस टेन ऑफ अल्फा कितना होगा ना, क्यू एस बाई पी एक्स, दैट इज द डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बट इट इज एवरेज चेंज, एक टोटल चेंज ऑफ वाई डिवाइड बाई टोटल चेंज इन द एक्स, ये हो गया एवरेज चेंज है, तो टेन ऑफ अल्फा हुआ है रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर क्यू पॉइंट अप्रोचेस पॉइंट पी बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली इन द लिमिटिंग केस व्हेन द पॉइंट क्यू विल ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद द पॉइंट पी, मतलब क्यू का लिमिटिंग पॉइंट मान लीजिए पी हो गया है, पी तो लास्ट में जाकर पी तक टच करने जा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, जो क्वाड पी क्यू जो है ना वो एक टेंजेंट बन जाएगा उस पॉइंट में। तो कर्व एट पॉइंट पी, लेट अस द टेंजेंट टू द कर्व एट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो हम पहले बोल चुका हूँ। तो वो जो है ना जो पी क्यू जो क्वाड था, धीरे 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 घटते घटते एट पॉइंट पी हो जाएगा क्या ना, वो टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये अल्फा अभी थीटा बन जाएगा, तो इसमें टेन ऑफ थीटा हम लोग को मिलेगा, एंड दैट टेन ऑफ थीटा हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखा जाता है ना, लिमिटेड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, पी आर क्यू पॉइंट बहुत नजदीक में आ गया है तो उसमें डेल्टा एक्स का जो वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द टेन ऑफ थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होना, टेन ऑफ थीटा हो गया। तो ए जो है ना, इट इज नथिंग बट द डी वाई डी एक्स एंड इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। तो हम लोग को एक चीज यहाँ पर मिला है, तो कोई भी एक ग्राफ दे दिया गया है, एक्स वाई का ग्राफ दे दिया है, तो उसका एट एनी पॉइंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो जिसको हम लोग डी वाई डी एक्स बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द टैन ऑफ थीटा, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। स्लोप का मतलब क्या होता है ना, कोई पॉइंट में स्लोप का मतलब होता है उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है उसका टैन ऑफ थीटा लीजिए, दैट इज नथिंग बट द स्लोप। तो इसमें दस जियोमेट्रिकली द डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटिंग वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट, मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसे कोई ग्राफ है तो उसमें कोई पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जो स्लोप बनता है टेन ऑफ थीटा जो होता है, दैट इज नथिंग बट द डी वाई डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर दिस चैप्टर, फॉर ऑल चैप्टर्स, हम लोग जहाँ भी ग्राफ आएगा वहाँ स्लोप आएगा, और ये कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करेंगे, मतलब ये जो साइंस में फिजिक्स में चाहे कहीं भी कोई ग्राफ है तो स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप मतलब नथिंग बट दैट इज डी वाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी वाई कौन सा क्वांटिटी है और एक्स कौन सा क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात समझेंगे। जैसे हमारे पोजिशन टाइम ग्राफ में, पोजिशन टाइम ग्राफ में टाइम देखिए ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड
along the x-axis or horizontal axis क्यों and time किसके ऊपर dependent नहीं जैसे अभी आप class में सुन रहे हैं नहीं सुन रहे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे आज का time निकल ही जा रहा है तो time independent वाला independent variable time तो time जब independent variable है तो हम उसको along the x-axis लेंगे इसमें y क्या हो गया ना y हो गया position मान लीजिए position time graph का y हो गया अभी ये graph यहाँ draw किया गया है ये graph से हम लोग क्या पता चल रहा है ना ये भी इधर graph कोई एक motion है जिसका कोई एक object है जिसके लिए हम लोग इसमें draw किए हैं हम क्या देख रहे हैं time जो आगे बढ़ते जा रहे हैं x है ना ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो इसका मतलब x जो है zero है x का change zero है इसका मतलब क्या होना था object is at rest तो ये graph देख रहे हैं पता लगा सकते हो object rest अभी आप लोग slope का concept से बात करेंगे तो ये दोनों parallel है तो दोनों के बीच में angle कितना होता है zero degree tan of theta कितना होना tan of zero zero होता है और इसमें जो slope क्या होता है ना that is dx dt that is the v होता है इस graph पे जो slope होता है that is velocity होता है तो यहाँ velocity zero मतलब the object is at rest और mathematically समझेंगे ये एक दो examples से हम लोग आओ देखेंगे तो idea और ज़्यादा clear होते जाएगा मान लीजिए यहाँ पर uniform along a straight line uniform एक motion है along a straight line uniform में हम कैसे समझेंगे हम यहाँ देख रहा हूँ जो t बढ़ते जा रहा है तो x भी जो graph है वो a इधर वो a बराबर हम चलेंगे तो यहाँ पर जो ये t है और यहाँ पर जो x है यहाँ पर t भी बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है इसमें तो एक motion है तो uniform motion मतलब भी constant कैसे पता है ना इसमें देखिए यहाँ पर जो slope कोई भी point से हम tangent draw करते हैं तो कोई भी point जो अपना खुद straight line अपना खुद का ही खुद tangent है तो वो जो x-axis का angle माना theta तो कोई point से हम tangent draw करते हैं तो always theta ही होगा और tan of theta उसका मतलब constant है और tan of theta is nothing but the dx dt मतलब यहाँ इधर x हो गया इधर t हो गया तो dx dt that is the v so throughout the whole motion whole time the velocity is the constant क्योंकि slope इसका constant है और theta का value यहाँ पर below 90 degree है तो जब below 90 degree होता है tan theta positive होता है इसको तो slope भी positive है और साथ साथ uniform भी है तो इसे straight line graph हमको समझ में आया जो एक uniform motion होता है किसका graph का ना position time graph का अभी ऐसा ही हम लोग एक ही position time graph में चार गो motion हम देख रहा हूँ यहाँ पर जैसे एक BC एक है motion represent कर रहा है एक OA graph एक motion indicate कर रहा है DE एक motion को represent कर रहा है लेकिन सब में क्या था ना जहाँ पहले बताया जो स्ट्रेट लाइन होता है अपना खुद खुद का टेंजेंट होता है जो एंगल बनाता है उसी का tan theta उसका स्लोप होता है हम देखे हैं जो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो स्लोप सेम है और यहाँ स्लोप क्या होता है ना स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी इसमें सबका सेम है मतलब सबका यूनिफॉर्म मोशन है ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन इसका वेलोसिटी ये तीनों से ज्यादा है क्यों इसमें थीटा का वैल्यू ज्यादा हो गया tan थीटा ज्यादा हो गया tan थीटा का वैल्यू ज्यादा हो गया तो मतलब स्लोप ज्यादा हो गया मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गया मतलब ए ई ए जो ए नंबर 1 2 3 तीन जो ग्राफ है ऑल दीस थ्री रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सेम वेलोसिटी इट इज आल्सो रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी बट डिफरेंट वेलोसिटी इसमें टाइम की बात है यहां हम लोग डिफरेंट टाइम में ए ग्राफ का और कुछ मतलब हम निकाल के बता सकता हूं जैसे मान लीजिए जब से आप घड़ी देखना स्टार्ट किए थे इसमें टाइम नेगेटिव हुआ मतलब क्या होता है खुद सर टाइम आप नेगेटिव ले लिए अब मान लीजिए जब से घड़ी देखना स्टार्ट किए उससे 5 मिनट पहले से कोई जा अपना जो मोशन स्टार्ट किया था तो उस पर चलते गया है आज जब से स्टार्ट किया उस टाइम मान लीजिए जो जो पार्टिकल गया है तो उसका ग्राफ यही होगा 5 मिनट मान लीजिए बाद 5 मिनट के 10 मिनट बाद में कोई स्टार्ट किया है कोई आधा घंटा बाद में स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट किया है ऑलवेज x 0 से तो इसमें जो हो गया है नाउ ग्राफ नंबर 4 इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशंस दैट मींस नेगेटिव वेलोसिटी यहां पोजीशन यहां डिस्टेंस अगर लिखोगे तो नहीं ऐसा ग्राफ ड्रा कर पाओगे इफ नेगेटिव वेलोसिटी मींस it moving toward the origin positive कोई distance में था position में था और toward the origin आ रहा है मतलब इसका जो position धीरे-धीरे घटते जा रहा है जितना toward the origin आ रहा है time के साथ-साथ घटते जा रहा है तो इस टाइप velocity जो हम लोग को यहाँ पर धीरे-धीरे position घटते जा रहा है यहाँ भी एक velocity constant है लेकिन इसको negative velocity हम लोग बोलते हैं यहाँ slope हो गया देखिए this angle theta tan of theta that is the theta is the obtuse angle तो मतलब theta के बोलो 90 degree से ज़्यादा है 180 डिग्री से कम है तो इसका tan of theta वैल्यू नेगेटिव होता है तो इसमें स्लोप नेगेटिव मतलब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव बताएंगे तो भी नेगेटिव है इसमें एक बात देखिए यहाँ पर ऐसा टाइप ग्राफ आपको को भी दिया जाता है पोजीशन का साथ हाँ तो इसमें टाइम का साथ इसमें सडनली ए टू बी ऐसा हो गया इसका मतलब क्या हुआ ना इसका स्लोप हो गया 90 डिग्री ये भी अपना खुद उसका टेंजेंट है जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री टेन 90 की वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी मतलब ये जो है ना टाइम आपको टाइम लगा ही नहीं है एट द सेम टाइम ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है तो
ऐसा तभी हो सकता है जिसका वेलोसिटी इंफिनिटी होगा, तो इसमें जो है ना एक पॉसिबल नहीं है. हाँ, इट इज टू बी नोटेड दैट पोजिशन टाइम ग्राफ कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजिशन एक्सिस, इट एज इट विल इंडिकेट इनफाइनाइट वेलोसिटी, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो ऐसा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अभी देखिए, पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं. ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना, धीरे 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 क्या होता है ना, इसे बेंट होते गया इसमें. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें फिर धीरे धीरे क्या होता है, टाइम एक्सिस का थोड़ा बाद में टाइम एक्सिस पैरेलल हो गया, जब टाइम एक्सिस पैरेलल सॉरी हाँ टाइम एक्सिस पैरेलल हो गया, उसका मतलब एक्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मतलब रेस्ट में आ गया. तो इसमें यहाँ धीरे धीरे ऐसा वेलोसिटी घटते गया. बोले सर कैसे बताएंगे वेलोसिटी घटते गया टाइम के साथ साथ ना, ये पॉइंट में देखिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा हूँ अलोंग द ग्राफ ए ओ ए बी सी, मतलब टाइम आगे बढ़ते जा रहा है. तो वो पॉइंट में जो वेलोसिटी हम कैसे पता लगाएंगे ना, वो पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जैसा एंगली थीटा वन, फिर थोड़ा बाद में बी पॉइंट में मान लीजिए बी पॉइंट में है तो बी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए जिसका वैल्यू थीटा टू. अब देख रहे हैं जितना आप दूर जा रहा है यहाँ पर वो ए बी सी तक, तो धीरे धीरे ये जो थीटा जो स्लोप है ना, मतलब टेंजेंट जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ, तो वो धीरे धीरे घटते जा रहा है. इसमें जो थीटा का एंगल घटने का मतलब होता है टेन थीटा घटना, तो टेन थीटा यहाँ घट रहा है फिर घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घटते जा रहा है. इसमें स्लोप होता है वेलोसिटी नथिंग बट डी एक्स डी टी होता है वेलोसिटी होता है. तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते घटते एक टाइम वेलोसिटी जीरो हो गया, जैसे ब्रेक लगाने से गाड़ी में ऐसे होता है. तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर ये भी पता चल गया कैसा टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, दैट इज नथिंग बट द रिटार्डेशन मोशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. लेकिन यहाँ भी इट इज ऑल्सो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट बाई दिस ग्राफ, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते रहे. कैसे पता चला बढ़ते जा रहा है ना, ये पॉइंट में देखिए हम जितना आगे बढ़ते रहो ये अलोंग दिस ग्राफ, ए पॉइंट में एक स्लोप लीजिए टेन ऑफ थीटा वन, बी पॉइंट में देखिए थीटा टू का वैल्यू ज्यादा हुआ है, तो टेन ऑफ थीटा टू का वैल्यू ज्यादा है मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है. तो ये हो गया पोजिशन टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट इट इज रिटार्डेशन टाइप, ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन टाइप. क्यों, स्लोप से पता चलता है जो वेलोसिटी बढ़ती जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस का साथ अगर टाइम करते हैं, ये हम लोग था पोजीशन, देखिए दोनों वर्ड यूज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ पोजीशन और यहाँ पर हम लोग लिखा डिस्टेंस. डिस्टेंस का साथ हम लोग ऐसा ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को भी घटता नहीं है. आप एक ही जगह पर घूमते जाओ तो आप देखोगे डिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, बार बार एक ही जगह घूम घूम कर फिर आ जाओ, हो सकता है डिस्टेंस पोजिशन जीरो हो जाएगा आपका, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस जो है ना वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता. तो ऐसा टाइप डिस्टेंस लिख दिया है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली ऐसा टाइप ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है ना एट द सेम टाइम देर आर टू पोजिशंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एक ही टाइम में आप यहाँ पर भी है और दूसरा जगह पर भी है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो नहीं सकता एक ही टाइम में दोनों जगह पर. ऐसा टाइप ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा टाइप ऐसा जो ग्राफ ऐसा टाइप का कोई मोशन नहीं मिलता है जिसके ऐसे ग्राफ हम लोग बना सकता हूँ. चाहे ऐसा टाइप ये भी गलत है जो, क्योंकि डिस्टेंस को भी घटता नहीं है, हमें बढ़ते रहता है. अभी हम लोग अनदर जो मेन एक ग्राफ होता है सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा ना. टाइम के साथ साथ देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है ना, जब वेलोसिटी जिसका कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जिसका एक्सीलरेशन जीरो है. अभी वेलोसिटी टाइम का भी एक ग्राफ का भी स्लोप होगा, तो क्या होगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है डीवी डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो है क्या चीज, दैट इज द एक्सीलरेशन. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डीएक्स डी टी था वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम एक दूसरा टाइप का ग्राफ है, वो पहला जैसे नहीं है. तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसका जो स्लोप होगा दैट इज डी वी डी टी. देखिए यहाँ पर जो स्लोप है ये भी जो है ग्राफ है, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस एंगल इज थीटा जीरो डिग्री, टैन ऑफ जीरो डिग्री जीरो, मतलब इसका स्लोप का वैल्यू जीरो. स्लोप का वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया ना, एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन. सिमिलरली सेकंड वन, इसमें देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी जब टाइम जीरो था वी भी जीरो था, ग्रेजुअली टाइम बढ़ते जा रहा है और एक ग्राफ बराबर हम आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है. कोई भी पॉइंट अपना एक स्ट्रेट लाइन हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब लीनियर ग्राफ है इसको, तो प्रोपोर्शनल ग्राफ बोलते हैं इसको. तो इसमें कोई भी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सबका ही एंगल थीटा होगा, टेन ऑफ थीटा दैट इज द एक्सीलरेशन दैट इज कॉन्स्टेंट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ये हम लोग बोल सकता हूँ.
আর এক ইনক্রিজ হতে যা রা হ্যাঁ কিন্তু থিটা কে বিলকুল লেস দেন 90 ডিগ্রি টেন অফ থিটা কে হতা পজিটিভ হতা হ্যাঁ পজিটিভ মতলব এসেলারেশন হ্যায় অর ইনক্রিজ হতে যা রা হ্যাঁ নেক্সট দেখি হোয়েন দ্য বডি পাসেস পজেসেস সাম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মান লিজিয়ে এসা টাইপ হ্যায় এক ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কুছ হ্যায় জব সে টাইম দেখনা স্টার্ট কিয়া উস টাইম অলরেডি দো বডি কে হাম বাত করেঙ্গে দোনো কা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেম থা ইয়াহাঁ পে দেখিয়ে তো এক হাম ড্র কিয়া এ বি এ গ্রাফ হ্যায় দুহরা মৌসম কা গ্রাফ ড্র কিয়া এ সি দেখিয়ে এ স্ট্রেট লাইন হ্যায় মতলব ইউনিফর্ম এসেলারেশন কিন্তু কহিঁ সে ভি হাম লোগ ট্যাঞ্জেন্ট ড্র করেঙ্গে সব অ্যাঙ্গেল থিটা ওয়ান বনায়েগা তো ট্যান অফ থিটা ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য ডিভি ডি টি দ্যাট ইজ দ্য এসেলারেশন ইসকা থিটা টু ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन है एसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ बट उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है क्यों ना थीटा टू वैल्यू ज्यादा है तो इसमें दोनों के इनिशियल वेलोसिटी सेम था लेकिन जो ये जो है ना इस बराबर जो जा रहा है एट द सेम टाइम वेलोसिटी ज्यादा गेन करते हुए जा रहा है क्यों ना इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है क्यों ना थीटा टू वैल्यू ज्यादा है टेन ऑफ थीटा टू ग्रेटर देन टेन ऑफ थीटा वन देयरफॉर ए टू ग्रेटर देन जो हो गया दैट इज द ए वन दोनों में ऐसा है ये जो दोनों ग्राफ हम लोग देखे एक यूनिफॉर्म मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो वेलोसिटी एंड दी टू आर आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन दी टू आर आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन बट स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज मोर फॉर द ग्राफ ए सी एंड लेस फॉर द ग्राफ ए बी बट व्हेन we consider non uniform accelerator motion that means acceleration is also changes with respect to time तो इसमें जब ये जैसे ग्राफ हम लोग देख रहा हूं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ तो दैट इज यहाँ पर ओ ए बी एक ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम देख रहा हूँ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिफरेंट पॉइंट में स्लोप डिफरेंट ए पॉइंट में देखिए स्लोप कितना होगा ना यहाँ टेन ऑफ थीटा लीजिए बी पॉइंट में स्लोप कितना होगा ना टेन ऑफ थीटा टू लीजिए देखो थीटा ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है जब हम लोग ग्राफ टाइम आगे बढ़ते जा रहा है तो साथ साथ थीटा भी बढ़ते जा रहा है टेन ऑफ थीटा बढ़ते जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है तो इसमें हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेटेड मोशन लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है इधर जा रहा है इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेटेड मोशन कैसे डिक्रीजिंग बता रहे हैं धीरे धीरे एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया कैसे ना टाइम एक्स के साथ ये पैरेलल हो गया यहाँ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ते जा रहा है यहाँ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन घटते जा रहा है तो यहाँ बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेटेड मोशन कैसे आप पता होगा ना ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो एंगल थीटा वन हो रहा है टेन ऑफ थीटा टू हो रहा है धीरे धीरे थीटा घटते जा रहा है इतना इस पॉइंट में जा रहा हूँ तो धीरे धीरे थीटा जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्ट किसी किसी का है यहाँ मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ ना डिक्रीजिंग एक्सेलरेटर मोशन इट डज नॉट इंडिकेट इट इज रिटार्डेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं है ए भी एक्सेलरेटर मोशन ए भी एक्सेलरेटर मोशन लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन रिटार्डेशन तो कब होगा जब वेलोसिटी घटेगा इसमें वेलोसिटी बढ़ते ही जा रहा है वेलोसिटी घटा नहीं कोई कोई डिक्रीजिंग रिटार्डेशन को आप सोच लेते हैं जो दैट इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन सोच लेते हैं बिल्कुल नहीं है अभी देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द एक्सेलरेटर मोशन ये तो सर वेलोसिटी एक्सेलरेटर मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे करेंगे हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहां पर देखिए यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन जा रहा है तो इसमें जो है इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट था जैसे एक्स नॉट था धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेटर मोशन के लिए देखिए क्योंकि ना इसमें जो स्लोप होता है v यहां स्लोप होता है v तो v बढ़ते जा रहा है मतलब एक्सेलरेटर मोशन लेकिन यहां पर देखिए पोजीशन के साथ साथ यहां पर स्लोप है ना इसका वैल्यू कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हो गया ए इज इक्वल टू जीरो ये हो गया नॉन एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें भी स्लोप से हम लोग बात कर रहा हूँ व्हेन द एक्सेलरेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऐसा ग्राफ होगा लेकिन ये हो गया एक्स नॉट हो गया इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसके बाद वो टाइम के साथ साथ एक ही जैसे आगे बढ़ते जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट नेक्स्ट देखिए जहां पर हम लोग धीरे धीरे घटते जा रहे हैं मालिक पोजिशन तो हम लोग यहाँ पर स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है और वो घटते भी जा रहा है तो हम लोग इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बोल सकता हूँ पोजिशन टाइम ग्राफ अभी जितना सारा हम लोग अभी अभी समझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सब एक ही साथ में एक ही ग्राफ में हम डालते हैं तो क्या होगा ना देखिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सेवन इतना ग्राफ हम लोग किए हैं इसमें हम थोड़ा छोटा कर लें इसमें एक ही साथ में दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर वन जो ग्राफ आप देख रहे हैं नंबर वन ये हो गया नंबर वन टू थ्री तीनों हो गया एक्सेलरेटर मोशन का ग्राफ फोर फाइव सिक्स सेवन फोर हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है क्योंकि टाइम के साथ साथ यू का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है वी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इसमें भी तीनों में इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज का जो टाइप है डिफरेंट टाइप है वन टू थ्री में
আর ইসমে 5 6 7 মে তিনও কা ভেলোসিটি ডিক্রিজ হো রহা হ্যায় মতলব ভেলোসিটি নিচে আ রহা মতলব ভেলোসিটি ডিক্রিজ হো রহা হ্যায় মতলব এ তিনও জো হ্যায় না রিটারডেশন মোশন চাহে নেগেটিভ এসিলারেশন হ্যায় চাহে ডিসিলারেশন বোলা জাতা হ্যায় রিটারডেশন বোলতে হ্যায় এ জো তিনও ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনও এসিলারেটর মোশন এ হুয়ে ইউনিফর্ম এসিলারেটর মোশন নাম্বার নাম্বার ওয়ান হোগে ইনক্রিজিং এসিলারেটর মোশন কিউকি স্লোপ বাড়তে যা রহা হ্যায় ইসকা স্লোপ কনস্ট্যান্ট হ্যায় স্লোপ মতলব এসিলারেশন কনস্ট্যান্ট হ্যায় ইসমে স্লোপ ঘাটতে যা রহা হ্যায় বাদ মে স্লোপ জিরো হো গিয়া প্যারালাল হো গিয়া তো হাম ইসকো ক্যা বাতায়েঙ্গে না দ্যাট ইজ দ্য ডিক্রিজিং এসিলারেটর মোশন নট রিটারডেশন রিটারডেশন নিচে সারা হ্যায় তিনো কা তিনো এসিলারেটর মোশন হ্যায় লেকিন এক ইনক্রিজিং নাম্বার টু হো গিয়া আপকা ইউনিফর্ম এসিলারেটর মোশন নাম্বার থ্রি হো গিয়া ডিক্রিজিং এসিলারেটর মোশন লাস্ট মে এসিলারেশন জিরো হো গিয়া ইহাঁ যাতে যাতে নাম্বার ফোর হো গিয়া ইউনিফর্ম মোশন নাম্বার ফাইভ হো গিয়া রিটারডেশন লেকিন ডিক্রিজিং রিটারডেশন পহলে থোড়া সা ব্রেক লগা হ্যায় ফির ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হো গিয়া আর রিটারডেশন নাই হো রহা হ্যায় ইহাঁ পর নেক্সট হো গিয়া ইউনিফর্ম রিটারডেশন গায়ক কি জায়গা ঘাটতে ঘাটতে কিন্তু স্লোপ আর সব মে ইহা স্লোপ নেগেটিভ হ্যায় সব মে অপটিউজ অ্যাঙ্গেল স্লোপ পর হোগে সব মে থিটা কে ভ্যালু 90 ডিগ্রি সে জ্যাদা হ্যায় তো অপটিউজ অ্যাঙ্গেল সব কা স্লোপ নেগেটিভ হ্যায় নাম্বার 7 জো গ্রাফ হ্যায় ও ইনক্রিজিং রিটারডেশন মতলব টাইম কা সাথ সাথ সাডেনলি ইহা রিটারডেশন ভি বাড়তে যা রহা হ্যায় বহুত তো এ জো হাম লোগ কো ডিফারেন্ট টাইপ অফ মোশন একি গ্রাফ মে হাম ইনক্লুড কিয়ে হ্যায় তো এ হো গিয়া এক প্রাইমারি কনসেপ্ট অ্যাবাউট দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য মোশন ডিফারেন্ট টাইপ অফ মোশন হাম লোগ পজিশন টাইম एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से समझाने की कोशिश किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे इसका यूज करेंगे कहाँ यूज करेंगे ना इसके ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे तो ये वीडियो यहाँ तक ही है।